एसी लगाया उधर दिखाइए कहाँ लगाया एसी कहाँ लग जाइए ये एसी लगा दिया यहाँ पे आपने तो ये मतलब किसके जरिए लगाया गया है संयुक्त किसान मोर्चा हाँ किसान मोर्चा किसान मोर्चा ने लगाया कितने एसी लगे होंगे यहाँ पे बहुत ना जी होना अगला ट्राली है जो कूलर बहुत ने अच्छा बहुत सारे कूलर है बहुत एसी है हाड़ी का सीजन है अच्छा कटाई का सीजन हाँ तो कितने लोग चले गए बिचो चले जाते हैं फिर आ जाते हैं होर बंदे बुढ़ी आ जाती है हाँ जी माई आ जाती है माइया बेली ही ने अच्छा महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं बहुत महिला आती हैं बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं और आप लोग भी यहाँ पे टिके हुए हैं कूलर में बैठे एकदम हाँ जी हाँ तो कैसा लग रहा है बहुत अच्छा जी ठंडा कर रहा है अंदर हाँ हाँ ठंडा हो रहा है एकदम ठंडा हो गया अंदर आके देख लो ऐसी कोई बात नहीं ये एक बात कही जा रही है कि किसान जो है 40 डिग्री से ज़्यादा का तापमान है इसमें बैठने पे मजबूर है और किसी ने ये भी कहा है कि आपके जो लीडर्स हैं नेता जो हैं वो होटल्स में ठहरे हुए हैं ऐसी कोई बात नहीं जो वो सारी गलत बात कर रहे हैं अच्छा। हमारे लीडर भी यहीं पे हैं कोई एसी वाले रूम में नहीं रहते वो यहीं पर बैठते हैं यहीं पे बैठते हैं हाँ यहीं पे बैठ जो 40 डिग्री का टेम्परेचर है जो किसान की आदत बनी हुई ना 55 डिग्री पर भी वो खाई खेती करता है अच्छा खेती करता है तो उसको मजबूत मतलब वो उसको सह लेता है हाँ हाँ कोई बात नहीं ऐसी कोई बात नहीं ये तो गर्मी बहुत कम है हमारे लोग जो विदेश में जाके ना दुबई वगैरह में भी काम करते हैं वहाँ पे भी 60-60 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे हैं वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है गर्मी का कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए अब तो बैठेंगे यहाँ पे यहीं पर डटे रहेंगे सर्दी से सारी यहाँ पे निकल गई गर्मी भी यहीं पे निकल जाएगी कोई बात नहीं है अब तो मनवा के ही घर को जाएंगे ऐसे नहीं जाएंगे नहीं जाने वाले। ऐसे नहीं जाने वाले हैं अभी कुछ तादाद में कम हुआ है यहाँ पे लोग कम हो गए वो ऐसे है ना कनक का सीजन चल रहा है उसके लिए आना जाना लगा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है जितने जा रहे हैं उससे ज़्यादा आ भी रहे हैं ऐसी हमारी बात हो रही है यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं जब गर्मी की जो बात है किसान आंदोलन में जो अभी दिल्ली का जो हाल है 40 डिग्री से ज़्यादा का तापमान हो गया है तो हमने यही सवाल पूछा इनसे कि आप किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं इस गर्मी को किस तरह से टैकल कर रहे हैं या आपके लिए गर्मी कितनी चुनौतीपूर्ण है तो इन्होंने यही कहा कि गर्मी हमारे लिए इन बिलों से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है ये बिल ज़्यादा जो कानून आए हैं ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और सिंघू बॉर्डर से आज आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम कि 40 डिग्री तापमान के बाद दिल्ली के इस बॉर्डर पर किस तरह से किसान अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं हम लड़ेंगे साथ हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी सरकार हमें परख के देखती है भाई हाड़ी का सीजन आ गया भाई किसान चले जाएंगे ये किसान जाने के लिए नहीं आए ये 2023 फिर उसके बाद 2028 तक भी बैठेंगे और टेम्परेचर आज आपने बोला भाई 45 डिग्री है 40 डिग्री है ये 60 डिग्री 50 डिग्री जितना मर्जी टेम्परेचर हो ये जाएंगे नहीं मर जाएंगे किसान इतना सोच के आए घर पर कह के आए हम ये तो शिकंजी तो पीते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सवाल जो है वो ये है कि मतलब आप लोगों का आंदोलन जो है कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव के पीछे छुप गया है मतलब दिख नहीं रहा है लोग बात भी नहीं कर रहे हैं अब आज यहाँ जब हम आए तो लग रहा है कि हाँ यहाँ पे अभी स्थापित हो चुका है ऐसा लग रहा है कि गांव में है हम और ये पूरा गांव है ये सरकार की प्लानिंग इनको इग्नोर कर दो सारे चैनल जो आपने बोला था नहीं दिखा था वो होता है गोदी मीडिया वो सारा दिन चुनाव बंगाल में ये हो गया दीदी दीदी गई दीदी की बिग टोट हो गई वो सारा कुछ हो गया मोदी की जय जय शाह की जय जय भाजपा वहाँ आएगी दोबारा सरकार रिपीट नहीं होगी ये सारी उसकी प्री प्लैंड प्लानिंग होती है सरकारों की
भी हाँ यहाँ तो किसान नहीं है, ये नहीं वो आपके देखो बहुत लोग हैं। दूसरी बात आपने बोला था कोरोना, कोरोना मान लो कोरोना एक बीमारी है, घर पे बैठ के भी हम मरना है। कल को याद तो करेंगे ना भाई, वहाँ लड़ने गए थे, लड़के शहीद हुए। ये आंदोलन भाई साहब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया उत्साह है लोगों में। हम आपको ये बात बताते हैं, जब तक है ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे हम जाएंगे तब नहीं तक कि जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। अभी कुछ दिन पहले अचानक से बैठे हुए मेरे जहन में ख्याल आया कि देश भर में किसान आंदोलन जारी है। मतलब ये एक ख्याल था कि आंदोलन चल रहा है, किसान उसी तरह से बैठे हुए जिस तरह से 6 महीने बैठे हुए थे, जब हम सब, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ, कि मेनस्ट्रीम मीडिया ने जो एक धारा तय की होती है, एक धारा जो मेनस्ट्रीम मीडिया द्वारा तय की जाती है कि जब किसान आंदोलन को लेकर हंगामा हो रहा है तो हम सब यहाँ पहुँच जाते थे और आकर चर्चा करते थे, लोगों से बात करते थे। एक पूरा हंगामा था, टीवी पे भी किसानों को कुछ दिखाया जा रहा था, चाहे से वो तस्वीर सकारात्मक थी या नकारात्मक थी। सोशल मीडिया पर भी एक हंगामा बरपा था, अलग अलग वीडियोज़ किसान आंदोलन से आ रही थी। लेकिन आज जब ये आंदोलन पूरा 5-6 महीने कवर कर रहा है अपने, कोई चर्चा ज़्यादा किसान आंदोलन को लेकर नहीं है, खास चर्चा नहीं है, जबकि किसान उसी तरह से यहाँ आज भी बैठे हुए हैं जिस तरह से पहले बैठे हुए थे। एक बात ये कही गई कि 10% किसान बॉर्डर्स पर रह गया है। हम अलग अलग बॉर्डर्स पर गए, सिंगू बॉर्डर्स पर भी गए, गाजीपुर में भी गए, और आज सिंगू बॉर्डर पर भी आए, टिकरी बॉर्डर पर भी हम गए। किसान आज भी उसी तरह से यहाँ पर जमा है जिस तरह से पहले थे। आज पूरे दिन की रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की है कि किसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस तरह से बैठे हैं। 40 डिग्री का तापमान जब दिल्ली में है तो उनको किस तरह से वो इस तापमान को झेल रहे हैं और यहाँ पर जमा है। अलग अलग सवालों पर यहाँ किसानों से बात हुई। हमारी कोशिश यही थी कि हम इस वीडियो के ज़रिए किसानों के जो मसले हैं और 6 महीने गुजर जाने के बाद भी जिस तरह से वो यथावत यहाँ पर जमा है उसको दिखाने की आप कोशिश करें। इस वीडियो को देखिए और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। थैंक यू। साथी उदास मौसम के खिलाफ।